Hi guys, welcome to Manual Education. In this video, we'll talk about how to prepare for NMIMS NPAT examination. So just now, people have done with their 12th board. अभी just 12th board का exam खत्म हुआ है लोगों का. So students are in tension कि score कैसे आएगा. Out of 120, कितना score लेके आऊँगा तो मुझे मुंबई campus या तो फिर नवी मुंबई campus या तो फिर बैंगलोर इंदौर जो भी campus आप target कर रहे हो. ठीक है. NPAT का exam में सबसे tough का जो section है वो है आपका mathematics. ठीक है. तो आगे मैं कंप्लीट सिलेबस देने वाला हूँ वन बाय वन. हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेक्शन, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई विल बी गाइडिंग यू. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड. जितने लोग एनपैट एनएमआईएमएस लिख रहे हैं या सेट जनरल सिंबायोसिस लिख रहे हैं या क्राइस्ट या दूसरे एग्जाम्स अगर टारगेट कर रहे हैं, सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हैंडी फॉर देम. ओके, सबसे पहले मेरा एडवाइस है कि ये सेट ऑफ बुक आपके पास होनी चाहिए. दिस इज द सेट ऑफ बुक, लॉजिक, मैथ्स एंड इंग्लिश. ठीक है, दिस इज व्हाट द मैनुअल बुक. खुशबू भी अच्छी आ रही है. ठीक है ना, पढ़ने का मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा. तो ये सेट ऑफ बुक ले लो. अगर आपने मैनुअल का क्रैश कोर्स लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, यू विल बी गेटिंग द ई बुक्स बुक का एक्सेस. ठीक है. सो मार्च ऑनवर्ड्स वी हैव लॉन्च द बैचेस. जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, फटाफट सेंटर विजिट कर लो. अगर आप मुंबई बेस हो तो दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने यू कैन विजिट फॉर द क्लासरूम. बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस, ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. दिस इज व्हाट द कंप्लीट टीचिंग करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है. तो 90 प्लस का अगर अपना स्कोर आता है आउट ऑफ 120, अपने को मुंबई कैंपस से कॉल आएगा एडमिशन को लेके. ठीक है. सो 90 प्लस का स्कोर टारगेट करके चलो. बाकी अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, मॉक टेस्ट या तो आपको सेल्फ स्टडी वीडियोस चाहिए या तो फिर बुक ऑर्डर करनी है, तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन चेक आउट दी प्रोग्राम्स. बुक ऑर्डर करते हो तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक कुरियर हो जाएगी. ठीक है. बट अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, सो डोंट बाय एनीथिंग सेपरेटली. सब चीज़ आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. ओके. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट्स. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चालू हो गया है, इसको लेकर फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो भी हमने दिसंबर में बना दिया था. गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है तो. May 21st तक रजिस्ट्रेशन आपका बंद हो जाएगा. ठीक है. और एग्जाम जो है वो चालू है. सो 4 जैन से लेकर 31 मई तक का विंडो दिया हुआ है उन्होंने. मेरा एडवाइस ये है कि 12th बोर्ड अभी खत्म हुआ है, एक अटेम्प्ट दे दो. एक तो अप्रैल का अटेम्प्ट होना चाहिए और एक मई का. मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो होने चाहिए. ठीक है ना, जिसमें आपका मैक्सिमम स्कोर होगा वो स्कोर वो एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. सो पहला अटेम्प्ट इतने सीरियस नोट पे रखो कि यार हाँ, क्रैक कर दूंगा मैं, मेरा स्कोर 90 प्लस चला जाएगा. ठीक है. आपका जो क्रैश कोर्स है वो अप्रैल तक खत्म भी हो जाएगा. तो कोशिश करना कि अप्रैल एंड के आसपास का डेट लो, सो दैट आपका फटाफट जो क्रैश कोर्स है वो खत्म हो जाए, आप प्रैक्टिस कर सको. आपको टाइम भी मिलना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. तो 2 अटेम्प्ट के लिए आई वुड सजेस्ट, जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, 2 अटेम्प्ट आई वुड एडवाइज यू पीपल. ठीक है. बाकी एग्जाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, उसके हिसाब से आपको कैंपस मिलेगा. ठीक है. स्कोर आपका अच्छा आया तो मुंबई, उससे कम आया तो नवी मुंबई या तो बैंगलोर, उसके हिसाब से आपको कैंपस मिलेगा. टॉप 3 अगर आप मेरे से कैंपस पूछोगे तो मुंबई नंबर 1 पे, 2nd पे बैंगलोर, 3rd पे नवी मुंबई है, उसके बाद 4th पे इंदौर आता है. ठीक है. इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता. अगर प्रिपरेशन चालू करने का मन नहीं कर रहा है या डीमोटिवेशन आ रहा है, देन यार टॉप रिक्रूटर्स देखो. इतनी सारी कंपनियां आती है जो आपको जॉब देने के लिए, राइट? कॉग्निजेंट इज देयर, एक्सेंचर इज देयर, सिप्ला इज देयर, डिलॉयट इज देयर, HSBC इज देयर. तो एट द एंड 3 साल का BBA करने के बाद अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है, सो उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है. ठीक है. अब स्कोर के ऊपर आपका कैंपस डिपेंड करेगा. ठीक है ना, जो भी कैंपस आपको जाना है. ठीक है. सो काइंडली गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NMIMS एंड काइंडली चेक आउट द कैंपस. वहाँ से एक प्रिंट आउट भी निकालो जो कैंपस में आपको जाना है. सो अपना गोल जो है, अपना टारगेट जो है अपने सामने होगा, स्टडी टेबल के सामने होगा, मोटिवेशन बाई डिफॉल्ट आएगा पढ़ाई करने को लेकर. एंड सिंस यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो होगा आपके साथ डीमोटिवेशन आएगा. कोई सेक्शन सॉल्व नहीं होगा आपसे, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, किसी सेक्शन में, किसी टॉपिक के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मॉक में स्कोर नहीं आएगा, ये सब होने वाला है. सो बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग. सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन अपने को चाहिए. एंड टॉपर्स के पॉडकास्ट, डू वॉच ऑल द टॉपर पॉडकास्ट. जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब NMIMS NPAT टॉपर पॉडकास्ट वीडियो बाई मैनुअल एजुकेशन, यू विल बी गेटिंग ऑल द टॉपर पॉडकास्ट. उसको जाके देखो. उनमें आप उससे आपको ये समझेगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी, उन्होंने कैसे स्कोर लेके आया, हाउ दे क्रैक्ड, उनको प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने टैकल कैसे किया उसको. सो दैट विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन. ओके. ऑलराइट. सो प्रिपरेशन को लेकर के पहले तो बेसिक कैलकुलेशन, अगर आपका मैथ्स वीक है, लॉजिक वीक है, तो बेसिक चीज़ों पर काम करो. कंसेप्ट सीखो अच्छे से. प्रैक्टिस द क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर मैनुअल बुक 2 टाइम्स, बिकॉज एक बार तो आप सीखोगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर आएगा. उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 दिमाग और खुलेगा कि ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ एंड मैं इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो टेक्निक थोड़ा सा आना चालू हो जाएगी और उस टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चन है उससे आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे. ठीक है.
फिर अपने को स्पीड पे काम करना है, फिर टेस्ट जितना हो सकता है टॉपिक टेस्ट पे काम करो और रिविजन करो। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिलेबस। सिलेबस को लेके बहुत सारे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, सो यू शुड हैव अ थरो इन्फॉर्मेशन अबाउट दी टॉपिक, अबाउट दी सिलेबस। तो सबसे पहले टफेस्ट सेक्शन ऑफ एनपैट इज नथिंग बट क्वांट। तो इसके अंदर सबसे पहले अरिथमेटिक पे वर्कआउट करो, अरिथमेटिक में ऑल दिस टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अदर एरिया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया, इक्वेशन, फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई, ऑल दिस टॉपिक। तो दिस इज द वन, दिस इज टू, इन दोनों पे काम करोगे तो आराम से अपना डिसेंट स्कोर यहाँ बनेगा। उसके बाद आता है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन का एडवांस वर्जन, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन हो गया आपका, लॉगरिथम हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, फंक्शन हो गया, सेट हो गया, ये सारे टॉपिक पे काम करना है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये वन एंड टू ये दोनों अच्छे से कर लेना, यहाँ पे हम थोड़े थोड़े टॉपिक देख लेंगे। बट अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पर मैथ्स कर लूँगा, फोड़ दूंगा, तो फिर सब करो। अपने को ये याद रखना है कि पूरा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं होने वाला। अपने पास 100 मिनट का टाइम है और 120 क्वेश्चन है, आप जितनी मर्जी लगा लो, कम से कम नहीं तो 10 टू 15 क्वेश्चन आपके छूटने वाले। ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, हम सारे क्वेश्चन मार्क करेंगे, बट अपने को स्मार्टली प्ले करना है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, सिलेबस नहीं कवर करना। और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पहले आपका स्ट्रेंथ और जो टॉपिक पे स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है वो, और आपको वीकनेसेस पता होना चाहिए, वीकनेसेस पे मुझे मैनेज करना है, ठीक है। एंड जो टॉपिक आपको बिल्कुल लग रहा है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, भाई उसको छोड़ देना। तो वो अभी के लिए मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, इट्स लाइक कि आप पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो, तभी आपका एग्जाम है, एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले ये डिसाइड करो, अभी नहीं, अभी के लिए सब प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के अंदर ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, बट हाँ, मेक श्योर आपके पास सारे वीडियो, वंस यू ज्वाइन द क्रैश कोर्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक और हैंड आउट्स, ई बुक्स, बुक्स, इनका एक्सेस इमीडिएटली ले लेना, क्योंकि आपको अभी से, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो वहाँ से डैशबोर्ड से स्पीड मैथ्स का वीडियो देख लेना है, परसेंटेज चालू कर दो, और ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, इससे आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। ये तीन टॉपिक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको चालू कर दो विदाउट फेल, ठीक है। क्वांट में अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है तो फिर मैथ्स करने में ईजी रहेगा आपका। उसके बाद आता है कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, फिर टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज नथिंग बट दी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपका जैसे जैसे सेशन होता जाएगा आपको बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बिफोर यू कम फॉर एनी क्लास आपको उसका वीडियो लेक्चर देख के आना है आपके मैनुअल के डैशबोर्ड से, फिर आपको क्लास में आना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको टेस्ट लिखना है। तो मेक श्योर प्री वर्क करके आना है वीडियो लेक्चर्स। तो ऑल दिस शॉर्टकट यू शुड नो ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के, ठीक है, भर भर के शॉर्टकट हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर पता होना चाहिए, बिकॉज टाइम नहीं अपने को भागना है, ठीक है। वर्बल क्रिटिकल को लेकर के अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड एनालिटिकल लॉजिक को लेकर के अप्रोच, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके क्लास में, लेक्चर्स में कवर होगी या लाइव क्लास जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है। इन एडिशन टू दिस आपको ज़्यादा फोकस इस वाले टॉपिक पे करना, ये स्कोरिंग है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, फॉलोड बाय दिस सेक्शन एंड देन दिस सेक्शन। तो फर्स्ट नंबर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नथिंग बट इंग्लिश। इंग्लिश में आपका वोकैब थोड़ा हाई लेवल का वोकैब पूछते हैं। तो अगर आप मई अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो तो अपने पास अप्रैल और मई, तो मैं वर्ड पावर मेड इज एक बुक रिकमेंड करूंगा फॉर द वोकैब। बट अगर आपको लग रहा है यार बुक नहीं होगी, क्योंकि ये मोटी बुक है, अगर आपको नहीं होगी तो मैनुअल के बुक में जितने भी वोकैब वाला सेक्शन है, 2.2 करके सेशन का नाम है, जिसमें सारे वोकैब के टॉपिक दिए हुए, वो सारे वोकैब को गो थ्रू कर डालो, वो सारे वो वोकैब जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। सो ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। ग्रामर को लेके आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे वीडियोस है, हैंडआउट्स है, हैंडआउट्स डाउनलोड करो एंड उसमें 4-5 ब्लैंक पेपर ऐड करो, वॉच द वीडियो ऑफ ऑल द ग्रामर रूल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंड उसमें जो एक्स्ट्रा रूल मिल रहा है उसको जॉट डाउन करो आपके हैंडआउट्स में, जो ब्लैंक पेपर है आपका। सो एक किट आपका रेडी हो गया, उसके बाद प्रिपरेशन चालू करो। आज मैंने मंडे को नाउन किया, फिर मैंने ट्यूजडे को प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करके 15-20 दिन में आपका पूरा सिलेबस गो थ्रू करके ले लो। ग्रामर को लेके, ग्रामर को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसके एप्लीकेशन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। सो वर्क ऑन योर फाउंडेशन वेरी फर्स्ट। जितना आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, बेस अच्छा होगा, आगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, स्कोर लाने में ईजी रहेगा। देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन शॉर्टकट, राइट द टेस्ट, इम्प्लीमेंट इट, देन टॉपिक टेस्ट एनालिसिस एंड फुल लेंथ मॉक आपका, ठीक है। आपके मैनुअल के पोर्टल पे देयर आर 10 मॉक वी हैव लॉन्च, डू राइट ऑल द मॉक टेस्ट बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। उसके बाद स्कोर मैपिंग स्ट्रैटेजी, डी डे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग पार्ट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सब पे काम करना है, ठीक है।
राइट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट आपको ये एनालिसिस करनी है, व्हाट आर द टॉपिक जो हेट है आपके, जो टॉपिक आपके वीक है, जो ओके है, जो स्ट्रांग है, जो टॉपिक आपके 30 सेकेंड के अंदर हो रहे हैं वो स्ट्रांग है, जो टॉपिक आपके एक मिनट के आसपास हो रहे हैं वो ओके है, जो टॉपिक आपका वीक है वो एक मिनट या 90 सेकेंड तक का टाइम लेगा, और जो टॉपिक जो आपको बिल्कुल सॉल्व करने का मन नहीं करता उसको यहाँ पे लिस्ट आउट करो, ठीक है। तो ये इस तरह से लिस्ट आउट करो, मान लो कि आपने मॉक में लिखा उसमें लॉजिक में आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा है, उसको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया, आपको लग रहा है कि मेरा एक मिनट तक का टाइम जा रहा है डायरेक्शन के क्वेश्चन में, मैंने उसको यहाँ लिस्ट आउट कर दिया, मैंने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से आपको हर मॉक में लॉजिक, इंग्लिश एंड क्वांट इसको लेकर के कंप्लीट एनालिसिस बनानी है। दो से तीन मॉक के बाद आपको वो पेपर आपके सामने रखो, वो आपको खुद ही बताएगा बेटा तुझे यहाँ यहाँ काम करना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी फैकल्टी या मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं, आपको वो एनालिसिस ही बताएगी, ठीक है। सो डू राइट मॉक टेस्ट एंड डू हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द मॉक। सो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ विथ रिगार्ड्स टू योर एनपैट प्रिपरेशन, ठीक है। कंसेप्ट पे काम करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक लिखो, एनालिसिस करो, रिविजन करो, क्रिएट दिस इकोसिस्टम, आइसोलेट हो जाओ, सोशल मीडिया से थोड़ा साइड हो जाओ, OTT प्लेटफॉर्म पे टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है तो हटाओ उसको, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा फैमिली से साइड हो जाओ, मतलब थोड़ा सा आप प्रिपरेशन मोड में आ जाओ, ठीक है। आपके बेडरूम में जब आप पढ़ रहे हो तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप NPAT 23 आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे और क्रैक भी करोगे, जो जो मैंने बताया अगर उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्रैक होगा। एंड कोचिंग के लिए, क्लासरूम के लिए बुरली, वसई, दादर, एंड यू कैन विजिट थाने सेंटर ऑल्सो, इतने लोग सेंट्रल लाइन में, यू कैन विजिट थाने सेंटर। अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं तो ऑनलाइन लाइव क्लास यू कैन चेक इट आउट। एंड 2024-25 को लेके ऑल्सो वी हैव लॉन्च बैचेस, एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वॉन्ट टू ज्वाइन, वॉन्ट टू स्टार्ट दियर प्रिपरेशन, यू कैन शेयर देम ऑल दिस डिटेल्स। बाकी कुछ भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस को लेके, कोर्स को लेके मैंने डिस्कशन में दिया हुआ है, डू चेक इट। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।